हालेलुया। मार्च 18, 2019 आज इस प्रेयर लाइन में आई हूँ। सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। आज रात को परमेश्वर के नाम के लिए गीत गाने के लिए सिस्टर सोनी श्यामल जो ओक्लाहोमा से है, स्वागत करती हूँ लाइन पे। सिस्टर अभी आपका टाइम है। सिस्टर सोनी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गोंत खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, आत्मा की चिंगारी दे, आत्मा की चिंगारी दे, आत्मा पवित्र शुद्ध चरित, आत्मा की चिंगारी दे, ईशु मेरे दिल में आ, ईशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार करता इकरार, ईशु मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गोंत खोल हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर सोनी। परमेश्वर हम सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। अभी अभी वचन से सुनेंगे, हमारे हृदय को तैयार करे, हमारे कानों को खोले। परमेश्वर का वचन आज हमारे हृदय में कार्य करने के लिए, आने वाले दिनों में भी जब हालेलुया यूट्यूब के द्वारा भी ये मैसेज दूसरे लोग सुनेंगे, सबों को ये गाना, ये मैसेज सब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, हर एक प्रिय जन की आशीष के कारण हो जाए। हालेलुया। अभी वचन से सुनाने के लिए भाई सैमसन साबू को लाइन में स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? यस। वंडरफुल, वंडरफुल। पहली तौर से परमेश्वर का, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद होने पर आप सभी को इस प्रकार प्रेयर लाइन के जरिए आप लोगों से बातें करने के लिए, परमेश्वर का वचन इस प्रकार आप लोगों के सामने लाने के लिए खुदा ने दिया हुआ इस अवसर का मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के हर एक लीडर्स का मैं इस समय पर मेरा धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो मुझे इस प्रकार इस समय में यहाँ पर जिन्होंने इन्वाइट किया है। मैं पिछले बुधवार को यूएस के प्रदेश में पहली बार भैया भाभी और मेरे नेव्यू जैसा को मिलने के लिए मैं यहाँ पर पहली बार आया, और ये पहली बार है कि मैं यूएस के प्रदेश में आया हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर लोगों से मिलकर और कई सारे चीजों को देखने के लिए, सीखने के लिए। पास्टर जस्टिन का मैं छोटा भाई हूँ, कई लोग पास्टर जस्टिन को जानते हैं, ज़ायन असेंबली सबका चर्च के वे पासवान है, और मैं बड़ी आशीषित हूँ कि परिवार समेत हम परमेश्वर की सेवा इस प्रकार कर पा रहे हैं। मेरे पिताजी रविंद्र साबू अवसर वे बैंगलोर के प्रदेश में एक कलिशिया के वे पासवान है, वे फाउंडर एंड सीनियर पास्टर ऑफ द टैबरनेकल असेंबली ऑफ गॉड चर्च, और उनके साथ एसोसिएट कर वहां पर सेवकाई बैंगलोर इंडिया में करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं। छोटी सी ही ये एक छोटा सा वचन जो परमेश्वर ने मेरे मन में दिया है,
जैसे ही भैया ने मुझे ये प्रेयर लाइन के बारे में कहा और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने दिया हुआ कुछ बातें मैं यहाँ पर मुझे सुनने वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ। और मैं एक बात जरूर निश्चय कहता हूँ कि अगर आप इस बात को सुन रहे हैं, कई सारे लोग हैं परमेश्वर की आत्मा कहता है जिनको ये वचन आज के दिन में या सुनने वाले अवसर पर आपके जीवन में एक बदलावट और एक रूपांतर को लाएगा। प्रार्थना के समय पर परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर दिया हुआ चिंता है और ये सवाल मुझसे पूछा परमेश्वर ने कि आपके जीवन के अंदर ऐसा क्या बोझ है जो आपको दबा रही है। एक और बार मैं कहूँ, परमेश्वर ने पूछा हुआ सवाल ये है कि आज के दिन में आपके मन के अंदर ये क्या बोझ है जो आपको दबा रही है। कुछ वचनों की ओर हम इस समय पर बढ़ना चाहते हैं जो परमेश्वर के परमेश्वर की वाक्य की ओर हम बढ़े। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता 55 उसका 22, साम्स 55 वर्स 22। अगर आपके पास पवित्र वचन है तो कृपया मेरे साथ निकालने पाए, मैं आपके लिए पढ़ के आपकी सहायता करना चाहता हूँ। वह वाक्य इस प्रकार कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह गर्मी को कभी फलने ना देगा। हाँ मेरे प्रियो, इस धरती की अंदर जब हम जीते हैं, जब एक एक दिन हमारी कटती है, अगर परमेश्वर पे जो जीता है या नए सिरे से जन्म लिया हुआ एक एक व्यक्ति जरूर कह सकता है कि मेरा जीवन के अंदर जितना भी बोझ क्यों ना हो, मैं जानता हूँ मेरी आसरा प्रभु यीशु मसीह है। इस धरती के अंदर अगर आप देखा जाए, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सबके जीवन में निराशा है, सबके जीवन में आंसू भरे हैं, सबके जीवन के अंदर बोझ भरा हुआ है। अगर एक छोटा सा उदाहरण ही ले ले, एक छोटा सा बेटा जब अपने माँ के कोख से या एक छोटा सा बच्चा जब अपने माँ के कोख से जन्म लेता है, पहली बार ये धरती में आता है तो वो हंस के नहीं आता, वे भी बड़ी आंसू के साथ रो रो के आता है। अगर वे रोता नहीं है तो उसको 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 सहायता करने वाले जो नर्स है उसको एक चुमती देती है, उसको जरा पिंच करता है ताकि वो बच्चा रो पड़े। इस धरती के अंदर छोटा बच्चा क्यों ना हो, बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सभी के जीवन में एक फेज है, एक सीजन है, एक समय है जहां पर हम सभी लोग बोझ से निराशा से भरे हुए हैं। लेकिन मैं आज यीशु मसीह जिनके जीवन के अंदर है या जो नए सिरे से जन्म लिए हैं या मुझे सुनने वाले लोग जिन्होंने यीशु को अब तक पाया भी नहीं है, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपका बोझ, आपका निराशा, आपकी हर एक प्रकार की समस्या का हल मेरा यीशु मसीह के पास है। जिस प्रकार हम आज के वचन की ओर ध्यान कर रहे थे, परमेश्वर इस प्रकार कहता है, अपने सारा बोझ, आपके जीवन के अंदर रहने वाली हर एक प्रकार की वो निराशा, हर एक प्रकार की चीज जो आपके दबाती है, प्रभु यीशु के ओर उसको दे दीजिए। हम यहाँ पर देखने वाली एक बात, मैं सोच रहा था बोझ क्या है, कई प्रकार के बोझ, एक एक व्यक्ति, जरूरी नहीं है मुझे सुनने वाले आपका बोझ मेरा बोझ होना है, नहीं, मेरा बोझ आपका बोझ नहीं हो सकता। हम सभी के जीवन के अंदर विविध प्रकार के बोझ हो सकते हैं। माता पिता को अपने बच्चों के बारे में बोझ होगा, बच्चों को अपने पढ़ाई के बारे में बोझ होगा, एक शादीशुदा व्यक्ति को एक बच्चा होने का बोझ होगा, या अभी अभी ग्रेजुएट किया हुआ एक व्यक्ति को काम के बारे में बोझ होगा, कई प्रकार के बोझ, आत्मिकता में बोझ होगा, कईयों को कलिश्या के बारे में बोझ होगा, कईयों को देश के बारे में बोझ होगा। मेरे प्रियो, ये सारे बोझ लेकर गुजरने वाले हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु को एक ही बात कहना है। इस प्रकार मैं एक और वाक्य इस प्रकार पढ़ रहा था, पहली पत्रस की पत्रिका, अगर आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, पहली पत्रस की पत्रिका 5वीं अध्याय उसकी 7वीं वाक्य, First Peter chapter 5 verse 7 इस प्रकार कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, मतलब परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे पापियों को, या मैं इस प्रकार कहूँ, रास्ता बटे हुए हम सभी को ढूंढ कर आए, इसलिए अपना जीवन दिया ताकि मैं और आप कुशलता का एक जीवन जी पाए। वचन के अंदर यीशु कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, वो ऐसा शांति नहीं जो धरती तुम्हें देता है, लेकिन मेरी शांति तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, अगर आपके काम के स्थल पर, अगर आपके जीवन जीने वाले स्थल पर, आपके एक एक दिन में अगर आप शांति को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं,
तो आज शाम के ये जो वचन है आपके जीवन की अंदर प्रभु यीशु का शांति को लाने पाए। कौन सा है वो भोज? मैं इस प्रकार एक कथा मुझे याद आ रहा है जो मैं आपके सामने रखूं। एक बार एक डॉक्टर अपने पेशेंट से मिलने के लिए गए और डॉक्टर अपने पेशेंट से कहने लगे इस प्रकार, बड़ी बड़ी भोज के साथ, बड़ी चिंता के साथ उस डॉक्टर अपने पेशेंट से कहा, मेरे पास एक बुरी खबर है, एक बहुत ही अधिक बुरी खबर है, तुम्हें कौन सा सुनना है? तो उस पेशेंट ने सोचा और पेशेंट ने बोला, मुझे बुरी खबर पहले सुना दीजिए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि तुम्हारा बुरी खबर यह है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। वो पेशेंट जरा डर गया क्योंकि सिर्फ 24 घंटा बचा है उसके जीवन के अंदर जीने के लिए, उसके बाद मर जाएगा। उसके बाद पेशेंट ने बोला, अभी मुझे बहुत बुरा खबर क्या है वो भी सुना दो। डॉक्टर ने बोला, बहुत अधिक बुरा खबर ये है कि ये बात मैं तुमसे कल कहना था लेकिन मैं भूल गया। मेरे प्रियो, उस देखिए हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर गुजरने वाला एक एक भोज। आज आपके जीवन के अंदर क्या है भोज? क्या आपके जीवन के अंदर काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, क्या आपके जीवन के अंदर आपके पारिवारिक रिश्ते के बारे में, क्या माता पिता को अपने बच्चों के बारे में? हम जब शादी में याद करता हूँ कलिशिया के अंदर इस प्रकार एक परिवार आए जो कलिशिया में प्रार्थना करवा रहे थे और कहे, पास्टर जी हमने शादी किए 6 साल हो गए लेकिन बच्चे नहीं है। हमने कलिशिया मिलकर प्रार्थना किया, उनको बच्चे ना होने का बोझ था लेकिन बच्चा होने के बाद मेरे को लगता है 3-4 साल के बाद वापस आए और हमसे कहने लगे, पास्टर जी बच्चा तो हो गया लेकिन अभी बोझ ये है कि ये कितना शैतानी कर रहे हैं। तो एक एक प्रकार का बोझ एक एक व्यक्ति को। मैं एक और बात कहूं, जब भी आशीष आता है आशीष के साथ आपके जीवन के अंदर एक बोझ भी आता है। उसका मतलब मैं अगर ये इस प्रकार कहूँ, घर मांगने वाला व्यक्ति परमेश्वर जब एक घर की आशीष देता है, एक बड़ा घर मिला, बड़ा घर का मेंटेनेंस का बोझ आता है। जिस तरह बच्चे के बारे में कह रहा था, बच्चा ना रहने वाले एक माता पिता को बच्चा मिल जाता है तो बच्चे को संभालने का बोझ हो जाता है। पढ़ाई करने वाला व्यक्ति अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स में पास हो गया, काम मिलने का बोझ है। कई प्रकार का बोझ के साथ जब मैं और आप इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं। मैं एक बात की दिलासा मैं आपको देना चाहता हूँ, यूथ्रॉनमी 31 के अंदर इस प्रकार परमेश्वर कहता है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, ऐसा एक परमेश्वर हमारे पास है जिसकी ओर हम कभी भी भाग के जा सकते हैं और कह सकते हैं, हे पिता मेरे इस बोझ को ले ले, मेरे बच्चों के बारे में जो मैं रो रहा हूँ। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, ऐसी कुछ माताएं हैं जो मुझे सुन रहे हैं, रात के अवसर पर कोई ना जानते हुए हो रिया मस्ते। परमेश्वर की आत्मा को मेरे शरीर के एक एक अंग में अनुभव कर, कुछ ऐसी माताएं हैं जो रात के अवसर पर कोई भी ना जानते हुए अपने बिछोने को आंसू से भिगोने वाली कुछ माताएं हैं। कई प्रकार की बोझ, काम की बोझ नहीं है लेकिन उनके बच्चों के बारे में बोझ रखते हुए, किस तरह मेरे बच्चे बढ़ेंगे, मेरे प्यारे परमेश्वर क्या मैंने गलत निर्णय ले लिया है, क्या मेरे जीवन के अंदर क्या ये एक गलत अवसर है, क्या मैं करूंगा, मुझे नहीं मालूम, करके सोचने वाली कुछ माताओं के बारे में परमेश्वर कहता है, अपना बोझ मेरे ऊपर दे दे। अगर मैंने तुमको एक जगह पे भेजा है, कुछ माताओं से परमेश्वर कहता है, अगर मैंने तुमको एक जगह पे भेजा है तो मैं तुमको उस जगह पर आगे बढ़ाने के लिए भी योग्य हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर हमारे लिए एक रास्ता खोलता है, अगर परमेश्वर हमारे लिए प्रोविजन देता है, मेरा प्रभु यीशु कभी भी आधा काम अधूरा काम नहीं करता, हर हमेशा पूरा काम करता है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक जगह पे लाया है तो उस जगह से कैसे आगे बढ़ना है वो रास्ता भी हमें देगा। मैं वापस जिस जगह पर हमने आरंभ किया भजन संहिता 55 उसका 22 में आना चाहता हूँ। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा जहाँ पर वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, लेकिन उसके नीचे एक बात है, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। मैं यहाँ पर कुछ समय रुकूं। अगर मैं पूछूं धर्मी व्यक्ति कौन है मेरे प्रियो, वचन के आधार पर हम जानते हैं कि धर्मी कोई भी इस धरती के अंदर कोई भी धर्मी नहीं है। हम सभी लोग पाप के उस कलंक से, घिनौने हरकतों से भरे हुए हमारे जीवन के अंदर हम में से कोई भी धर्मी नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह को जिस
दिन हमने अपनाया, जिस दिन बपतिस्मा लिया, जिस दिन हमारे अंदर विश्वास हुआ कि यीशु मेरा सृजनहार है, उस दिन से परमेश्वर यीशु ने हमको धर्मी ठहराया है। हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाली, और जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उठकर यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं विश्वस्त नहीं था लेकिन आपने मुझे विश्वस्त ठहराया, मैं धर्मी नहीं था लेकिन आपने मुझे धर्मी ठहराया, मैं प्रभु इस धरती के अंदर धरती का रहने वाला था लेकिन आपने मुझे अपना बनाया। मेरे प्रियो, आज ही हम सभी के जीवन के अंदर की गवाही है कि हम में से कोई भी धर्मी नहीं थे लेकिन परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। अगर परमेश्वर के मार्ग पर उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति है तो मैं आपको एक बात का निश्चय कहना चाहता हूँ कि आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये आवाज आपके दिल के अंदर एक दिलासा लाने पाए कि आपके बोझ को मेरा परमेश्वर उठाने के लिए इच्छुक है। लेकिन मैं एक और सवाल पूछू, क्या सही में आप अपना बोझ परमेश्वर पर देते हैं? क्या आज हम अपने आसरा पर, अपने बुद्धि पर, अपने टैलेंटों पर, अपने तोड़ों पर क्या हम आसरा करते हैं? क्या हमारी आसरा परमेश्वर पे है? हमेशा जानने पर इंग्लिश का एक शब्द सिन, सिन के बीच का द थ्री वर्ड सिन हैज अ मिडिल वर्ड कॉल्ड आई। आई हमेशा हमारे जीवन के अंदर, आर वी सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड, क्या हम अपने ऊपर ही अधिक चिंतित करते, क्या हम अपने ऊपर अधिक आसरा रखते हैं? क्या मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय जनों, क्या आपकी आसरा परमेश्वर पे है? वन संगीत का इस प्रकार कहता है, मेरी सहायता कहाँ से आएगा? Who will help me? I lift my eyes and who will help me? उसकी बात कहता है, मेरी सहायता आकाश और भूमि को बनाया हुआ परमेश्वर, मेरी सहायता आकाश और भूमि को बनाया हुआ सृजनहार से आएगा। हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे माता पिता, हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी सहायता आज करने के लिए परमेश्वर तत्पर है, परमेश्वर योग्य है। वो सिर्फ शक्तिमान नहीं बल्कि वो सर्वशक्तिमान है। माता के कोख में माता पिताओं ने हमारे नाम को भी या हमारे बारे में सोचने से पहले हमारे नाम बुलाकर हमको अलग अलग किया हुआ परमेश्वर, कोई भी कोने में क्यों ना जाओ, वचन कहता है अगर मैं आकाश में भी जाओ तो भी तेरी आत्मा वहां पे है, अगर मैं परलोक में मेरे बिछोना का बिछाऊ तो भी तेरी आत्मा वहां पर है, मैं कहीं पर भाग के क्यों ना जाऊं तो भी तेरी आत्मा वहां पर है, तेरी आत्मा से छुप कर या तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। कई बार हमारे जीवन के अंदर वी लूज होप, वी लूज फेथ, वी से गॉड आई एम डन, कई बार हम फेड अप हो जाते हैं कई विषयों के बारे में। लेकिन आज मुझे ऐसे सुनने वाले मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी आस्था जरा बुलंद करने पाए क्योंकि आपके लिए एक यीशु जिंदा है। हमारी कलीसिया के अंदर कुछ सालों पहले हुआ हुआ एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। कलीसिया में एक एक, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिवार समेत, उनको दो बच्चे हैं, माता पिता दो बेलो कलीसिया के अंदर आए और इस प्रकार एक दिन गिड़गिड़ाने लगे। उनको एक विश्वासी कलीसिया में लेके आए क्योंकि पिछले और पापा जब प्रार्थना कर रहे थे, पापा ने परमेश्वर के उस भविष्यवाणी जब उनको बताया, पापा ने देखा कि सुसाइडल की एक आत्मा के जीवन के अंदर था। तो वो प्रिय भाई उसके बाद कहने लगे, हाँ पासवान साहब सही है, क्योंकि पिछले दो दिन पहले वे परिवार समेत रैट पॉइजन खाकर मरने के लिए वे लोग तैयार थे, लेकिन उनके मन के अंदर ऐसा कुछ एक बात आई कि अभी नहीं, अभी भी समय है, अभी नहीं मरना है। मरने का कारण उनके जीवन के अंदर 10,00,000 रुपए का खर्चा हुआ था। मैंने जब उसको कन्वर्ट किया, $14,000 10,00,000 रुपए का जो खर्चा उनके जीवन के अंदर ऐसी आ पड़ी और कई सारे जगहों से चारों साइड से लोगों को दबा रहे थे, उनको नहीं मालूम क्या करें, उनको उनके पास एक ही आसरा बचा था, वो है सुइसाइड, आत्महत्या करने का। उस समय पर कैसे होकर के लोग कलीसिया में आए, कलीसिया मिलकर प्रार्थना करने के लगे। आप भरोसा करें या ना करें मेरे प्रियो, एक साल के अंदर 10,00,000 रुपए का खर्चा परमेश्वर ने दूर कर दिया। कहीं बंद पड़ा हुआ एक दरवाजा उनके परिवार समेत, उनके उनके पारिवारिक रीति से उनका एक लैंड था जो सेल होना था, वो सेल हो गया मिरेकुलसली। हाँ मेरे प्रियो, आज आपका सवाल, आपका प्रश्न, आपका बोझ आज क्या है?
परमेश्वर के लिए आपका बोझ बड़ा ही छोटी सी विषय है। आप आज रोने वाले या व्हाट आर यू ड्रैगिंग टुडे, आप कौन सा बोझ लेकर जा रहे हैं मेरे परमेश्वर के लिए, वो बड़ी ही छोटी सी विषय है। क्या आप आज कहने के लिए तैयार है कि प्रभु मेरा बोझ मैं आपको देता हूँ, मेरा बोझ मैं आपको देती हूँ। स्पिरिचुअली कई प्रकार के बोझ हमारे जीवन के अंदर हो सकता है, कई प्रकार के बातों से हम लोग गुजर रहे होंगे, कई सारे विश्वासिया हमारे विरोध में बोलने वाली बातें, एक पासवान का बेटा होने के नाते कई प्रकार की चीजों को हम दिन ब दिन सुनते हैं, एक मिट्टी के पासवान होने के नाते या कलिशिया की एक नायक होने के नाते कई प्रकार के विश्वासियों की चिंताओं से हम लोग शायद दबे हुए होंगे। क्या आप जानते हैं परमेश्वर क्यों कहता है बोझ में ना रहो? क्योंकि बोझ हमेशा हमको दबाता है, हमको कभी भी ऊपर उठने की अवसर नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर तो चाहता है कि हम लोग उखाब की तरह उड़ते रहे, आसमानों को छूते रहे। लेकिन झूठ बोलने वाला शैतान अपने झूठ के जरिए कई प्रकार के बोझ जब आपके ऊपर डालकर आपको दबाने की अवसर में डालता है, तो क्या आप उस बोझ को स्वीकार कर हाँ मेरी जिंदगी के अंदर ये बोझ के साथ ही मैं दबा रहूंगा दबा रहूंगी कहने वाले लोग आज मुझे सुन रहे हैं? तो परमेश्वर कहता है अपना बोझ मेरे पे दे दे, क्योंकि मैं तुमको आसरा देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मैं अपनी बातें इस समय पर नहीं कहना चाहता, मैं बस कुछ गवाहियां जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है उस गवाहियों के जरिए मैं आपको दिलासा देना चाहता हूँ। विश्वास और प्रार्थना अगर आपके जीवन के अंदर है तो परमेश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार कर कर आपके बोझ को आपके जीवन के अंदर से दूर करना चाहता है। ये आज आप मुझे सुनने वाला बोझ फिजिकल नहीं है, ये शारीरिक नहीं है, बल्कि ये मानसिक बोझ। परमेश्वर कह रहा है मानसिक बोझ से गुजरने वाले आप लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर एक दिलासा देता है। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करके मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने कहा पहली पत्रस 5 उसका था, कास्ट ऑल योर एंजाइटीज ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, इसलिए तो महिमा में रहने वाले स्वर्ग को छोड़कर पापी रहने वाले हम लोगों को ढूंढकर वे इस धरती में आए हैं। सारे 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 महिमा को छोड़कर इस पाप भरे हुए धरती में हमारे लिए अपना पूरा लहू बहाकर बस एक ही बात कहा उन्होंने कि मेरी शांति मैं तुमको देता हूँ। क्या आज आप जब सोने से पहले कह सकते हैं हे पिता मेरे भोज को मैं आपके ऊपर देता हूँ, आप मेरे भोज को उठाने पाए और आपकी शांति को मैं स्वीकार करता हूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो हर हमेशा आपके सोने से पहले या आप जब भी प्रार्थना करते हैं तो कहने पाए लॉर्ड थैंक यू फॉर ऑल द बर्डन दैट यू हैव टेकन, थैंक यू फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आई गो थ्रू। एक और बात कहूँ, हर एक भोज जो हमारे जीवन के अंदर होता है एट टाइम्स इट इज गुड, you know, it makes us realize that what is my capacity, it makes us realize that we are still humans, everything is impossible for us, but mera parmeshwar ke liye har ek asambhav sambhav mein hai mere priyo, aur wo sambhav parmeshwar aapke jeevan ke andar aapke us bojh ko दूर करने पाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय पर और परमेश्वर की ओर अपने बोझ को समर्पण करें। क्यों ना अगर आप मुझे सुन रहे हैं कृपया कर आपके मन के अंदर की जो चिंताएं हैं, जो दर्द है, जो व्याकुलता है, जो आपके मन तोड़ रही है, जो आपके जीवन के अंदर खाना खाते हैं तो भी खुशी नहीं देती है, परिवार के साथ रहते हैं तो भी एक समाधान नहीं हो पा रही है, वो कौन सी विषय है जरा परमेश्वर की ओर जरा देने पाए। स्वर्ग आज खुला है, स्वर्ग का कान आज खुला है आपकी प्रार्थना की ओर। परमेश्वर कहता है जो तुम्हारी प्रार्थना है उसी के हिसाब से मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। हमसे अतिश्रेष्ठ प्रेम करने वाले हमारे प्यारे यीशु मसीह, प्रभु जी आपका वचन जो हमसे आज बातें किया है बड़े संगीता 55 की ओर से और पहली पत्रस 5 की ओर से, प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर रहने वाले इन भोज को हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आप जानते हैं हमारे एक एक रास्ताओं से जहाँ पे हम गुजर रहे हैं, हम कहीं पर भी क्यों ना जाए आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे, हमारे दर्द हमारी व्याकुलता को दूर करने पाए। मैं उन माताओं के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो रात के अवसर पर अपने बच्चों के अपने परिवार के बारे में चिंता कर व्याकुलता में रहकर अपने बिछोड़े को आंसू से प्रभु जी भिगोते हैं,
प्रभु आप उनके दर्द को उठाने पाए, उनको शांति देने पाए, उनको जीवन के अंदर एक बदलावट लाने पाए और आपकी प्रभु जी शांति की गवाह पे देश देश में रहने पाए। प्रभु आपकी सामर्थ्य से आप एक एक व्यक्ति को भरने पाए। मैं इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अनेक लोग जो भी इस प्रेयर लाइन के दौरान अपने प्रार्थना विषयों को सामने रखते हैं, उन विषयों के लिए हम याद कर प्रार्थना करते हैं। हमारी एक प्रभु जी विश्वास से हमारी आशा है कि मनुष्य से असंभव लेकिन आपसे संभव है। हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर हमारे जीवनों के अंदर जो बदलावट आप ला रहे हैं पहली बात करना चाहते हैं। आज के प्रभु जी ये संदेश के जरिए आपने हमारे जीवन के अंदर एक बड़ी ठंडक जो पहुंचाया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज जब हम सोते हैं तो प्रभु वो बोझ के साथ, वो दर्द के साथ नहीं बल्कि कंप्लीट आजादी के साथ जो सो रहे हैं धन्यवाद करते हैं। एक छुटकारा, एक फ्रीडम यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। परमेश्वर तो कहता है रोग से, रोग से, रोग से, कई सालों से, कुछ दिनों नहीं, कुछ महीनों नहीं, परमेश्वर कहता है कई सालों से जीवन के अंदर जो भी कमा रहे हैं वो कंप्लीटली कंप्लीटली रोग के उस अवस्थाओं में जाने वाला, एक एक ही रोग नहीं, एक रोग से दूसरा, दूसरा रोग से तीसरा, एक एक रोग से चिंतित रहने वाला एक परिवार। यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपका चंगाई का हाथ उस परिवार के ऊपर आने पाए। यीशु के नाम से वो रोग के शत्रु की शक्ति आए उस परिवार छोड़कर दूर होने पाए। हे शैतान तेरा हाथ उस परिवार से दूर कर दे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपकी शांति, आपकी कृपा हम सभी के साथ वास करने पाए। ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के लीडर के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी जो आपने इनके अंदर देश के लिए जो आपने दिया हुआ इस इच्छा के धन्यवाद करते हैं, इनको आप और आशीष करने पाए और बढ़ाने पाए यीशु के नाम से ही। आमें, आमें, आमें। बड़ी आनंदित हूँ, मैं बड़ा आनंदित हूँ कि आप लोगों के साथ इस प्रकार परमेश्वर का वचन मैं शेयर कर पाया हूँ। मैं बैंगलोर अप्रैल 4 को मैं वापस जा रहा हूँ। कृपया कर मेरी सेवगाई को, मेरे काम को, हमारी वहाँ की कलिश्य और मिनिस्ट्री को कृपया आप लोग प्रार्थना में याद रखने पाए। आप सभी लोगों के साथ मिलने के लिए इस प्रकार मुझे बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू सिस्टर।